आप सभी पशु चिकित्सकों, पशु प्रेमियों, पशुपालक भाइयों, किसान भाइयों, आप सभी को विश्व पशु चिकित्सा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब पशु चिकित्सकों के लिए एक गर्व का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि आज विश्व भर में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। तो इस दिन के उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो वातावरण में जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिसका असर हम मानव जीवन के साथ साथ पशु पक्षियों के जीवन पर भी इसका असर देखने में आ रहा है। तो इन दिनों में जो हमारे बेजुबान पशु हैं, उनकी हमें किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान वातावरण में जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर, उसको कूलर, एसी, फैन की मदद से हम हमारे घर का, हमारी बॉडी टेम्परेचर को तो मेंटेन कर लेते, लेकिन जो हमारे बेजुबान पशु हैं, खुले आसमान में कई बार हमें देखने को मिलते हैं आंगन में, तो जब भी हमें इस तरह का पशु दिखाई दे तो हमें पशुपालक को के हमें बोलना है, कहना है कि आप अपने पशु को इतनी तेज़ धूप में, गर्मी में बिल्कुल भी खुले आसमान में नहीं बांधें। आप उसे किसी पेड़ की छाँव में या फिर अपने बाड़े में बांधें, जिससे पशु बीमार नहीं होगा, उसे लू नहीं लगेगी। इसके अलावा गर्मी के दिनों में जिस तरह हमें प्यास बार बार लगती, उसी तरह पशु इसमें जो चारा कम खाता है गर्मी के दिनों में और प्यास ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए हमें पशु को कम से कम दिन में 3 से 4 बार पानी देना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनका जो शरीर का जो तापमान वो नियंत्रित रहेगा, कंट्रोल रहेगा। और इसके अलावा जब हमें लगता है कि आज काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए, पशु बाड़े के टेम्परेचर को कम करने के लिए, पशु का टेम्परेचर कम करने के लिए हमें पशु को दिन में 3 से 4 बार नहलाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके पशु का जो दूध है वो बना रहेगा, कम नहीं होगा, घटेगा नहीं। इसके अलावा जो पशु को हमें सूखे चारे के बजाय हरा चारा अगर उसे दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हरे चारे में जो पानी की मात्रा होती है 70 से 90% होती है, तो पशु को अतिरिक्त मात्रा में हरे चारे के द्वारा पानी मिलता रहेगा, जिससे पशु बीमार नहीं होगा। और इसके अलावा जो पशु है वो पशु बाड़े में हमें जहाँ अपन उसे बांध रहे हैं, तो वहाँ पर उसे पर्याप्त मात्रा में हवा मिलती रहे, रूम जो पशु बाड़ा है वो गर्म ना हो, तो उसके लिए जो कूलर है, पंखा है, वहाँ पर हम लगा सकते हैं, या फिर जो टाट है उसे हम टांग कर इस तरह से पाइप की मदद से बार बार वो अगर गीला करते रहे तो पशु को जो ठंडी हवा मिलती रहेगी। तो ये 2 से 3 महीने जो कि भीषण गर्मी में पशु को काफ़ी ज़्यादा से बीमार हो जाता है, परेशान रहता है, तो हमें एक इंसानियत होने के नाते हम इतना तो कुछ कर ही सकते हैं, जो कि बदले में हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से अन्य तक पहुँचाएँ, ताकि इसी तरह हम कड़ी बाई जो हमारे बेजुबान पशु को हम तपती धूप से बचा सकते हैं और समय पे जो पानी है उसे मिलता रहे, क्योंकि कई बार पशु को क्या, एक बार जब बांध दिया जाता है उसके बाद में उसे दिन के शाम के समय से बाहर छोड़ा जाता है, लेकिन बीच में नहीं पानी पिलाया जाता है, तो हमें कम से कम दिन में 3 से 4 बार हमें देते रहना चाहिए। धन्यवाद।